में प्रचार करने जा रहे हैं उस इलाके में, मैंने कहा कि राज्यों को मैं तो कागज़ वाला प्रत्याशी हूँ, वहाँ के जो सभी हमारे चाहे अभियंता हों, चाहे जनता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे पार्टी के, और चाहे यहाँ तो सारी दीवारें लगभग टूट रही हैं, और ना जातिवाद है, ना कोई भेदवाद है, ना कोई विरोधवाद, कोई विरोध नहीं, राज्य विकास सम्मान के लिए सरकार के लिए आपका जो आशीर्वाद ये निश्चित तौर से आपने 2012 में दिया और 2014 में हमारे यहाँ जब सपा बसपा और सब गठबंधन में आकर के लड़े तभी वो माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की फिर आपने आशीर्वाद देने का काम। हम आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं कि मेरे कारण से आप सबका मस्तक सदा गर्व से ऊंचा रहेगा। इस समय होंगे या कोई उनका कारोबार अच्छा होगा, 95% लोग या तो मजदूरी करते हैं या तो किसी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन बताइए सही सही, जब से कोरोना आया है आप सबको फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ मुझे। 13 साल पहले अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट की एक बहुत ही दर्दनाक घटना, देश को दहलाने वाली घटना, देश को डराने वाली घटना हुई थी, उस घटना की लंबे समय से जो माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई चल रही थी, आज उसमें न्यायालय का फैसला आया है जिसमें से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले का जहां मैं एक ओर स्वागत करता हूं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस बात का जवाब दें कि जिस आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई है, जो सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार था, उसका पिता किस हैसियत से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। श्री अखिलेश जी आपका इनसे क्या रिश्ता है, आप यह भी बताइए कि जब आप सरकार में थे ऐसे ही बम ब्लास्ट के दोषियों का मुकदमा आपने क्यों वापस लिया था, यद्यपि उसमें माननीय न्यायालय ने वह मुकदमा वापस लेने पर रोक लगा दी थी, लेकिन आपको इस बात का जवाब देना होगा। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, और जिस प्रकार से आतंकवादियों के साथ समाजवादी पार्टी का रिश्ता उजागर हो रहा है वह एक बहुत ही चिंता को डालने वाली बात है कि राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उनका रिश्ता देश के दुश्मनों से किस प्रकार का है। श्री अखिलेश यादव जी देश को बतावें, प्रदेश को बतावें, और इस संबंध में वह अपनी बात को जनता के सामने रखें, और यह घटना देश की रक्षा का सवाल है, देश के लोगों की रक्षा का सवाल है, और इस प्रकार की घटनाओं से जुड़े हुए लोगों का समाजवादी पार्टी से रिश्ता यह बहुत गंभीर घटना है।